मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में पशुओं में फैल रही लंपी डिजीज की चपेट में अब 23 जिले आ गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2,81,481 पशु संक्रमित हो गए हैं, जबकि 12,809 की मौत हो चुकी है। हालांकि आपको बता दूं, मौतों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, दुधारू पशुओं की मौत के बाद किसानों और पशुपालकों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। इलाज के लिए पशुपालक काफी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पशु दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अब लंपी डिजीज को महामारी बताते हुए प्रदेश के लोगों से पूरी सेवा भावना से गौवंश बचाने की अपील की है। गहलोत ने कहा है कि गौवंश को बचाना टॉप प्रायोरिटी में रखे, ताकि हम इस बीमारी की रोकथाम में कामयाब हो सके। गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में गौवंश में फैली स्किन डिजीज जैसी महामारी के इलाज और रोकथाम के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको बता दूं, सरकार ने अभी 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी भी दी है। इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है, लेकिन इसे जल्द ही कंट्रोल में कर लिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। शुक्रवार सुबह 10:15 बजे प्रदेश भर में 1 करोड़ स्कूली छात्र एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाएंगे। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 26,000 स्कूली बच्चों के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं, प्रदेश के 67,000 सरकारी और 50,000 प्राइवेट स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 1 करोड़ छात्र एक साथ आज सुबह 10:15 बजे राष्ट्रभक्ति के 6 गीत गाएंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में राजस्थान के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद सहित 3 जवान गुरुवार तड़के शहीद हो गए। सूबेदार राजेंद्र झुंझुनू स्थित मालेगांव के रहने वाले थे। 16 जुलाई को ही वह छुट्टी काट कर वापस ड्यूटी पर गए थे। नवंबर में होने वाली अपनी बेटी प्रिया की शादी के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वह अपने देश के लिए आन बान जान कुर्बान कर गए। शहीद होने वाले वीर जवानों को हमारा नमन, क्योंकि यह जवान हर समय देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। एक और बड़ी खबर और आपके लिए बेहद काम की खबर, राज्य सरकार द्वारा ई मित्र होम सर्विस शुरू की है। हालांकि यह सर्विस अभी जयपुर और जोधपुर के नागरिकों के लिए ही शुरू की गई है। इसके माध्यम से आप मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मैरिज आदि सर्टिफिकेट घर बैठे बनवा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको कॉल करना होगा और अपना स्लॉट बुक करवाना होगा। लेकिन आपको बता दूं, यह सर्विस अभी जयपुर और जोधपुर के नागरिकों के लिए ही शुरू की गई है। माना जा रहा है आने वाले कुछ दिनों के बाद इन सेवाओं का लाभ प्रदेश के सभी जिलों के नागरिक उठा पाएंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, भले ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही है और मौसम साफ है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बीते 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ के नदी नाले उफान पर है। पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा में 8 और प्रतापगढ़ में 5 इंच तक पानी गिरा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में रक्षाबंधन के दिन तेज हवाएं चली। आज की बात करूं तो 12 अगस्त को मौसम विभाग के अनुसार अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू और राजसमंद के साथ सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं, 12 से लेकर 15 अगस्त तक मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है और आज जोधपुर, बीकानेर संभाग के भी कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं देखिए, देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गुरुवार को बादल फट गए, इसमें दोनों राज्यों में 2-2 लोगों की मौत हो गई। देश की एक और बड़ी खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली एम्स में एडमिट राजू को वेंटिलेटर पर रखा गया है। वर्कआउट करते वक्त उन्हें हार्ट अटैक का झटका आया था। बड़ी अपडेट ये है, राजस्थान में भी युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। आपने कई दफे सुना होगा, डीजे पर डांस करते वक्त, जिम करते वक्त या फिर वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक के झटके आजकल आ जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी क्षमता से ज्यादा जो है जिम वगैरह
गाना नहीं करना चाहिए और डीजे पर अधिक नाचने से भी ऐसे कई मामले सामने आ जाते हैं। अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको चिकित्सकों की भी सलाह कहीं ना कहीं जरूर लेनी चाहिए। यही थी आज की बड़ी खबरें। मिलेंगे जल्दी राजस्थान की कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।